Good morning, students. Today I will tell you about the first chapter. We will discuss first chapter, chapter 1, ration numbers of class 8. So before it, I want to tell you something about the numbers. First, number system ke baare mein. First, kya aapne sikha hai abhi tak? Natural numbers. What are natural numbers? The numbers which starts from 1. 1, 2, 3, so on. These numbers are called natural numbers. Then there are whole numbers. Whole numbers. What are whole numbers? The numbers which starts from 0. 1, 2, 3, 4, so on. So all the natural numbers are whole numbers. But all whole numbers are not natural numbers only due to 0. Then there are integers. Integers. Integers also you have discussed in the 7th class, it is the first chapter. What are the integers? Mostly bachches mein ye kehte sir, all the positive and negative numbers including 0. So all the positive and negative number bol doge to beta wahan pe kya jayega? -5.7 bhi aa jata hai. That is wrong. It's not an integer. So integer ki definition jab bhi aapne batani hai to ye kehna hai ki you can say that ki all the natural numbers including 0 and negatives of the natural numbers. This way you can say that ki that numbers are integers. Ab general meaning matlab main hota kya hai? Integers na to fraction mein hote hain. Fraction numbers are not integers. Decimal numbers are not integers. Sirf wo complete pure ka pure number hone chahiye. 1, 2, 3, 4, 0, minus 1, minus 2, so on. As like this. These numbers are integers. So ab aapne padhna hai rational numbers. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअल में ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल दीज आर द रैशनल नंबर्स. ये सारे रैशनल नंबर्स हैं. तो रैशनल नंबर्स की हम डेफिनेशन कैसे देते हैं बेटा? द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. Are integers and Q is not equal to 0. Q not equal to क्या होगा? 0. P and Q क्या होने चाहिए? Integers होने चाहिए और Q is not equal to 0. मतलब वो सारे number जिसको मैं P over Q की form में लिख दूँ. अब बच्चा ये सोचता है कि क्या सर 5.7, 6.7 क्या यही या 8 क्या यही rational numbers होते हैं? बच्चों को स्टार्टिंग क्योंकि जो आपकी बिगनिंग है रैशनल नंबर्स की वजह से 7th क्लास में भी आपने 9th चैप्टर रैशनल नंबर्स पढ़ा हुआ है तो फिर भी मैं दोबारा आपको बता दूंगी. अगर यहां पे क्या है 7, अकेला 7 है, क्या ये सर ये रैशनल नंबर है? है बेटा. क्यों? मैंने बोला था आपको डेफिनेशन में ये बताया गया है द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिसको मैं लिख सकता हूं पी ओवर क्यू की फॉर्म में. क्योंकि अब 7 है, 7 को मैं 7 कौन वाली लिख दूं तब भी बेटा ये क्या रहेगी? इसकी वैल्यू 7 ही रहेगी. अगर मैं यहां पे -3 लिख दूं, अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं -3 अपॉन क्या लिख दूं 1, तो तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? -3 ही रहेगी. तो इसका मतलब मैंने फिर दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, द नंबर्स व्हिच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. सो इसका मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स 0 है. जैसे 0 को मैं 0.1 लिख सकता हूं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी. एंड ऑल द इंटीजर्स, दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स. अब हमारा इसमें एनसीईआरटी में जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर. इट्स वेरी सिंपल टॉपिक. प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में आपको आना चाहिए. ये आगे तक आपके साथ ही आना है एमएससी क्लासेस तक. हु दे वांट टू स्टडी फर्दर इन हायर क्लासेस मैथमेटिक्स. सो प्रॉपर्टीज ऑफ ये क्या? सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा क्लोजर प्रॉपर्टी. CLOUSRE क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? देखो जनरल पहले मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं. मान लो एक नंबर था 3. 3 क्या है? एक नेचुरल नंबर. उसके बाद मैंने कहा 5. 5 भी एक क्या है? नेचुरल नंबर. मैं इनमें कोई ऑपरेशन लगाऊंगा. ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे जनरल हमारे ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस,
माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इनको हम मैथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। मैं इनमें कोई ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, थ्री मान लो मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस एट हो गया। मैंने ये देखना है अगर ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और इसका आंसर भी क्या आ गया, नेचुरल नंबर ही आया, तो हम ये कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन, कि यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। जनरल हम जिसको अभी अगर आपसे कोई पूछा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या, तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है, लेट ए इज अ नेचुरल नंबर, मान लो नेचुरल नंबर में बता रहा हूं मैं, बी इज अ नेचुरल नंबर, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या गया सी, अगर ए नेचुरल नंबर था बी नेचुरल नंबर है और सी भी क्या आ गया नेचुरल नंबर आ गया, तो इसका मतलब वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। और साइन का ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो आपने लिख देना है इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अगर माइनस आ रहा तो माइनस है। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर ए कोई नेचुरल नंबर है या कुछ भी मतलब होल नंबर है, बी होल नंबर है, तो सी भी क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ही किस पे, होल नंबर्स पे, किस पे, होल नंबर्स पे। सबसे पहले मैंने ये कहा अगर ए होल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ध्यान से समझना इसको प्रॉपर्टी से, नीचे इसके ना टेबल बना हुआ है, फिर वो टेबल आपने खुद कंप्लीट करना है, ठीक है। होल नंबर्स, होल नंबर्स का मतलब क्या है यहां पे, कि हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ए क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है, पहले मैं कौन सा ऑपरेशन ले रहा हूं, प्लस, ठीक है, अगर मैं ए क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि ए अगर मैं कोई होल नंबर ले लिया, होल नंबर का मतलब मान लो मैंने सेवन ले लिया, ठीक है, उसके बाद प्लस बी फिर कोई होल नंबर ले लिया थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन आ गया, तो ये होल नंबर था, ये भी होल नंबर है और ये भी क्या आ गया, होल नंबर, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन, ठीक है बेटा, ये पहली प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई करती है। मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर्स पे एडिशन साइन के अंडर लाई करती है, तो हम ये कह सकते हैं होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। उसके बाद आ गई नेगेटिव पे, अब मैंने यहां पे ए माइनस बी इजिकल टू क्या ले लिया, सी, अब मान लो मैंने ए यहां पे रख लिया थ्री और यहां पे बी क्या ले लिया टू, अब ये क्या है वन। देखो अगर मैं ए की वैल्यू क्या ले लू थ्री, बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली टू, तो सी क्या आ गया वन, अब ये भी क्या था होल नंबर, ये भी क्या था होल नंबर और ये भी क्या आ गया होल नंबर, तो आप कहोगे सर कि ये तो यहां पे भी हो वेरीफाई होगी, ये तो नहीं, व्हाई, बिकॉज अगर मैं ए की वैल्यू कोई ए की वैल्यू स्मॉल ले लेता हूं, मान लो मैंने ए की वैल्यू क्या ले लेता यहां पे, ए की वैल्यू क्या ले लू मैं एट, बी की वैल्यू मैं क्या ले लू कोई बड़ी ले लू मान लो इलेवन, तो इज इक्वल टू क्या देगा माइनस थ्री। अब देखो ए क्या था, एट क्या था होल नंबर, इलेवन भी क्या है होल नंबर, मैंने माइनस किया, माइनस करके बेटा क्या गया माइनस थ्री, बट माइनस थ्री इज नॉट अ होल नंबर, तो हम यहां पे ये कहेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर माइनस साइन, अंडर सब्ट्रैक्शन, इज इट क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद ले लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन, मान लो एक ये थ्री होल नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फोर भी क्या ले लिया होल नंबर ले लिया, तो आंसर मेरा क्या आया ट्वेल्व, तो ये हमेशा आएगा ही आएगा बेटा, यहां पे कोई भी नंबर आप क्या ले लो थ्री जो है वो क्या ले लोगे, कोई भी नंबर ले लो आप, यहां पे थ्री नहीं मतलब ए ले लिया जी मैंने, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या गया सी, अगर ए नेचुरल नंबर है, ए क्या है ए सॉरी ए क्या है होल नंबर और बी भी क्या है होल नंबर, तो सी भी क्या आएगा होल नंबर ही आएगा, तो इसका मतलब यहां पे ये क्या हो गया होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब रह गया चौथा ऑपरेशन कौन सा, डिवीजन वाला, डिवीजन वाला मैं यहां पे कर रहा हूं ऊपर, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन का साइन बेटा ये देखो, ठीक है,
ठीक है डिवीजन। अब यहां पे a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। a मैंने कोई होल नंबर ले लिया, a क्या ले लिया कोई होल नंबर, होल नंबर मान लो मैंने ये ले लिया 4 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2 इज इक्वल टू मान लो 14 ले लिया मैंने होल नंबर, यहां पे b कह लिया 2 तो यहां पे क्या गया 7। अब आप सोच रहे हो भाई यहां पे तो बेटा हो गया नहीं, लेकिन हम तब तक नहीं कर सकते जब हरेक केस में ये वेरीफाई ना हो जाए। यहां पे ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये भी क्या है होल नंबर, तो आप ये नहीं सोच लेना कि हां यहां पे वेरीफाई कर गई कि क्लोजर होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर अंडर डिवीजन। नो, अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे, क्या अगर मैंने यहां पे क्या ले लिया बेटा, सपोज मैंने क्या ले लिया 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है तो 2 से आप डिवाइड करो, ये क्या है होल नंबर, ये भी क्या है होल नंबर, अब यहां पे क्या गया 3.5, तो ये क्या गया बेटा, ये होल नंबर है नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया ना होल नंबर, ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, लेकिन हमारे पास ये आंसर होल नंबर नहीं आया। जब हर एक केस में ये आज ये नहीं आता सही तो तब हम ये नहीं कह सकते, ठीक है तो यहां पे क्या आएगा होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन साइन। तो यहां पे ये कहां कहां पे क्लोज हो रहा था अंडर, एक तो एडिशन में, एक मल्टीप्लीकेशन में, ना डिवीजन में था ना सब्ट्रैक्शन में था। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज अंडर ऑन इंटीजर्स, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द होल नंबर्स, नाउ ऑन द इंटीजर्स। देखो इफ यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी, मैं थोड़ा जल्दी में बताऊंगा। व्हाट विल बी देयर, नाउ फर्स्ट इज ऑन द ऑपरेशन प्लस, ठीक है फर्स्ट मान लो मैंने यहां पे कोई इंटीजर लिख लिया 3, ठीक है यहां पे प्लस, यहां पे क्या कर दिया मैंने -4, ठीक है अब आपको पता है ये प्लस माइनस हमें क्या देगा, 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा 4 तो क्या आ गया -1। अब सुनो ध्यान से, अगर ये इंटीजर था दिस वाज इंटीजर दिस इज आल्सो इंटीजर तो जो आंसर आया वो भी क्या आएगा इंटीजर, सो दिस व्हाट वी कैन राइट कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है ये हो गया। अब ऐसी माइनस पे भी ये होगी होगी कैसे, 5 माइनस यहां पे मैंने क्या लिख दिया मान लो 6 लिख दिया, अब यहां पे आंसर क्या आएगा -1, ये क्या है इंटीजर, ये भी क्या है बेटा इंटीजर, अगर मैं उन दोनों को माइनस करूंगा तो हमें क्या मिल गया -1 और -1 भी क्या है इंटीजर, तो यहां पे भी ये हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन वाला ले लिया मैंने, मल्टीप्लीकेशन में बेटा फिर मैंने क्या ले लिया 5 मान लो इनटू क्या कर दिया -6 इज इक्वल टू, तो ये क्या आंसर आएगा -30, आपको पता होगा अगर ये प्लस है ये माइनस है तो 5 6 का होता है -30, तो अब यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा ये व्हाट इज दिस, ये क्या है ये भी इंटीजर है, ये भी क्या है इंटीजर है और ये भी क्या आ गया इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट रह गया क्या डिवीजन, अब डिवीजन में क्या आएगा बेटा, लेट अस सपोज यहां पे क्या है 8 इज व्हाट, 8 एक इंटीजर है, उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया मान लो 2 के साथ, 2 इज आल्सो इंटीजर, यहां पे क्या आ गया 4, यहां पे तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये नहीं होल्ड करेगी, इन सब में आप जो मर्जी ले लो होल्ड करेगी करेगी, लेकिन यहां पे अगर मैं क्या कर दूं मान लो यहां पे मैंने क्या कर दिया 7 डिवाइडेड बाय फिर 2 कर दिया, या कोई आप 17 भी ले सकते हो नो प्रॉब्लम, 17 इज व्हाट इंटीजर, 2 इज व्हाट इंटीजर, तो आंसर भी क्या आना चाहिए इंटीजर, तो ये क्या आएगा 8.5, बट 8.5 इज नॉट अ इंटीजर, सो इट मींस इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है बेटा ये हो गया इंटीजर्स के ऊपर। सो बेटा नेक्स्ट इज व्हाट रैशनल नंबर्स, देखो मैं पहले क्या बना रहा हूं आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स, तो पहले जैसे कि हमारा
इंटीजर्स पे बताई मैंने, फिर होल पहले होल नंबर पे बताई, फिर इंटीजर्स पे बताई, अब किस पे बता रहा हूं, रेशनल नंबर। हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी की। किसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, अब देखो फिर वही मैंने पहले एडिशन के बता रहा हूं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में ये मैंने क्या लिखा, टू अपॉन थ्री इज बट टू अपॉन, तो बेटा ये क्या था, रेशनल नंबर्स और क्या क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर तो मैंने यहां पे ले लिया प्लस साइन। अब 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर प्लस, मान लो मैंने 3 कर दिया, 3 ठीक है इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे, 3 × 3 = 9 + 2 क्या आएगा, 11/3। ठीक है, ये रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था, और आगे जो आंसर आया वो भी क्या गया, रेशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन साइन। ठीक है, उसके बाद माइनस, माइनस में बेटा ये मान लो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 3/4 - 2/ कुछ भी लिख दो आप, 2/7 लिख दिया मान लो मैंने, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब हम एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे बेटा क्या आएगा, 28, यहां पे एलसीएम 28 आ जाएगा, 4/7 = 21 ठीक है, 7/4 = 4 × 8 - 8 तो व्हाट विल बिकम दिस, 7/8 = 21 - 8 कर दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 13 ठीक है, 13/28। तो ये भी क्या हो गया बेटा, देखो ये मैंने क्या लिया था, रेशनल नंबर, ये भी क्या लिया, रेशनल नंबर, और इसको माइनस किया, एलसीएम लेके 28 आ गया, 4/7 ये सॉल्व करके ये क्या आ गया बेटा, 13/20, और ये भी क्या आया, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन साइन। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप क्या लोगे, मल्टीप्लीकेशन, 3/7 × -5/8 तो ये क्या करोगे बेटा, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, -15/8 = 56। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये रेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अब बच्चे ना कहीं सोचते हैं कि सर अगर मैं इसकी जगह पे ये एग्जांपल ले लूं, 3 × 7 × 21, ये एग्जांपल भी आप ले सकते हो, क्यों, बिकॉज वी कैन राइट दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कई बच्चे ये सोचते हैं कि क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म, तो बच्चा ये सोचता है यार अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में है तो ही वो रैशनल नंबर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर देखो 7 है, मैंने देखो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ये बताया था, द नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, तो अब 7 है, 7 को मैं अपॉन मान लिख दूंगा तब भी ये क्या रहेगा, इसकी वैल्यू 7 ही तो रहेगी भाई साहब। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं सिंगल नंबर्स वाली। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसकी डिवीजन, डिवीजन डिवीजन पे कैसे रहेगा बेटा, देखो इधर 5/8 / 3/7। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, ये हो जाएगा 5/8 × तो ये चेंज हो जाता है इसमें मल्टीप्लाई को, उसके बाद क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 7/3, तो ये कितना हो जाएगा 35/24। अब क्या था, ये भी क्या था, रैशनल नंबर, ये भी क्या था, रैशनल नंबर, और आंसर भी मुझे क्या मिल गया, रैशनल नंबर। अब सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत ही ध्यान से सुना, ये यहां पे हरेक प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, हरेक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, लेकिन इन द केस ऑफ 0 इट विल बी नॉट होल्ड। कैसे, कोई भी नंबर लिख लो आप, उसको डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन ड्यू टू ओनली 0, 0 का क्या कंसेप्ट है सुनो बेटा, अगर मैं यहां पे 5 लिख दू, 5 इज अ व्हाट, रैशनल नंबर, डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाता है, 5/5/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है बेटा, मान लो आपके पास 5 चीजें हैं, 5 कैंडीज हैं, आपको डिवाइड करना है 0 में, 5 कैंडीज हैं, 0 देखो ऐसे होता है ना, हम डिवाइड क्या करते हैं, 4/2 या 14/2, 14 कैंडीज हैं,
दो बच्चों में डिवाइड करनी है तो कितनी कितनी आ जाएंगी, सेवन सेवन। और यहां पे क्या है, फाइव कैंडीज है, कितने में डिवाइड करो, जीरो में। अरे भैया कर ही नहीं सकते, जीरो में कैसे कर दोगे। तो मतलब ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डू दिस। तो इसका मतलब ड्यू टू जीरो हम ये कहेंगे रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन साइन। और ये याद रखना इन केस ऑफ जीरो होता है, ड्यू टू जीरो ओनली यहां पे मैं क्रॉस लगाऊंगा, ठीक है बेटा। नाउ कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बेटा। मान लो यहां पे ए प्लस बी, ए एक मान लो मैं ये अलग अलग नंबर्स पे हम करेंगे, ए कोई नंबर था बी कोई नंबर था, मान लो नेचुरल है या होल है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ए प्लस बी इज इक्वल टू अगर क्या आ जाए बी प्लस ए, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे, सुनो इधर, मान लो मैंने पहले सेवन प्लस एट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, फिफ्टीन। एक बच्चे ने पहले एट लिख दिया, जब छोटी क्लासों में करते हैं एट प्लस सेवन, तो भी क्या आया, फिफ्टीन। तो ये ए प्लस बी था और यहां पर यह बेटा क्या था, बी प्लस ए। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फिफ्टीन आ रहा है और बी प्लस ए इज इक्वल टू फिफ्टीन आ रहा है, तो देन वी कैन से दैट कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बाउंड्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम अलग अलग साइंस पे और अलग अलग नंबर सिस्टम पे अप्लाई करके देखते हैं। तो व्हाट विल बी देयर फर्स्ट होल नंबर्स पे, फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं होल नंबर्स पे, होल नंबर्स। पहले मैंने ऑपरेशन ले लिया बेटा प्लस, ठीक है, फर्स्ट आई हैव टेकन एयर फाइव प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवन प्लस फाइव, होएगा कि नहीं होगा बेटा। ये देखो फाइव प्लस सेवन भी क्या होगा हमारे पास ट्वेल्व, तो ये भी क्या होगा सेवन प्लस फाइव भी क्या होगा ट्वेल्व। तो इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर अंडर एडिशन साइन, तो ये भी होल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो फाइव क्या है, होल नंबर, सेवन भी क्या है, होल नंबर, मैंने इसके बीच में क्या कर दिया माइनस। तो अगर इधर सेवन माइनस फाइव, मैंने फाइव माइनस सेवन किया तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस टू, बिकॉज फाइव और सेवन में से बड़ा कौन सा बेटा, एक्चुअल में अगर विदन साइन के देखे तो सेवन बेटा है और उसके आगे साइन कौन सा है माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस टू। और यहां पे क्या आएगा सेवन माइनस फाइव कितना आ जाएगा टू, क्या ये इक्वल थे, क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये माइनस टू आ रहा है ये टू आ रहा है। तो मतलब यहां पे क्या है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ए माइनस बी बी माइनस ए। मतलब अगर मैंने पहले मैंने फाइव में से सेवन माइनस किया फिर सेवन में से फाइव माइनस किया अगर तो आंसर सेम आता, तो हम कह सकते थे होल नंबर्स आर, तो होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, होल नंबर्स आर टू होल नंबर्स आर हैविंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहां पे नहीं है। तो व्हाट वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन होल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये क्या था, ये नहीं है, तो अब बेटा क्या करेंगे हम किस पे देखेंगे अपना मल्टीप्लीकेशन पे। अब फाइव क्या है होल नंबर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कोई और नंबर भी ले सकते हो आप, एट इंटू सेवन इज इक्वल टू सेवन इंटू एट। हाँ ये याद रखना, ये पहले ए लिखा फिर बी लिखा, दूसरी साइड क्या लिखना है, पहले बी फिर ए, ये ए है ये बी है, तो अब क्या लिखोगे, पहले बी लिखोगे फिर ए लिखोगे, तो एट सेवन का क्या होता है फिफ्टी सिक्स, तो ये भी क्या होता है फिफ्टी सिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं थी, ये क्यों क्या होगी, क्या होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन साइन। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट वी विल सी ऑन डिवीजन, डिवीजन पे देखेंगे बेटा। डिवीजन पे क्या होता है, देखो लेट अस सपोज आई हैव टेकन हियर फोर या फोर्टीन ले लिया, फोर्टीन डिवाइडेड बाय टू दैट इज व्हाट सेवन आएगा, और यू कैन राइट हियर लेट अस सपोज, अब मैं फिर मैंने टू डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया 14। अब देखो 14 अपॉन 2, 14 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें 7, लेकिन 2 को 14 के साथ जब डिवाइड करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 7, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर
not equal. So it means they are not equal. 14 divided by 2, 2 divided by 14, they are not equal. So it means what? We can say that whole numbers are not commutative under division. So ye thi mari commutative property on the whole numbers pe. Ab main kis pe bataunga aapko ye yahi same property whole number ab kiske pe karenge hum integers pe. इससे करेंगे अनटीजर्स पे. क्या देखो इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ मिलेगा हमें. अब किस पे चेक कर रहे हो मैं? अनटीजर्स पे. अनटीजर्स पे ठीक है. अब अनटीजर्स पे पहले वही प्लस का साइन ले लो. प्रॉपर्टी याद रखना क्या होती है प्रॉपर्टी? ए प्लस बी अगर बी प्लस ए. हमने मतलब प्लस है तो प्लस कर लेना है और सारे सारे साइन देख रहे हैं हमने प्लस पे भी माइनस पे भी मल्टीप्लिकेशन पे भी डिवीजन पे. अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है. अगर नहीं करती है तो अगर इक्वल नहीं आती है तो होल्ड नहीं करती है. अब प्लस है. अब सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे? लेट अस सपोज आई हैव टेकन हियर इंटीजर. कोई भी इंटीजर लेना आपने टू. अब इंटीजर में ना इंटीजर में मैं नेगेटिव नंबर लूंगा एक ठीक है. वैसे तो वो तो प्लस ही रहा. देखो ये यहाँ पे माइनस थी एक ठीक है. अब ये ए था ये क्या था बी. और दूसरी साइड मैंने क्या लिखा? माइनस एट पहले लिखा ठीक है. हमने वो लिखते हैं ना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. अब मैंने बी आगे लिखा ठीक है. तो प्लस ए कितना था टू ठीक है. अब ये देखो टू प्लस माइनस क्या होएगा? माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस आ जाएगा यहां पर माइनस ए. तो आंसर क्या आएगा? माइनस सिक्स. अब इधर माइनस एट प्लस टू तब भी आंसर क्या आएगा? माइनस सिक्स. मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है. तो इसका मतलब इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन साइन. अब दूसरी बात लेते हैं हम इसकी. तो यहां पे क्या हो गया ये हम टिक कर देंगे कि ये है ठीक है. अब दूसरा अब खुद भी करके देखो थोड़ा खुद भी देखो भी क्या क्या है होगी कि नहीं होगी. आप ये अपना माइंड लगाओ पॉज करके वीडियो खुद देखो. पहले पॉज करो वीडियो को उसके बाद फिर देखो भी हाँ क्या मैंने जो किया है वो सही किया है. खुद करो ठीक है. अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं नेक्स्ट. अब सुनो इधर. अब मैंने क्या किया? पहले मैंने क्या किया टू माइनस मान लो एट ले लिया मैंने. ये भी इंटीजर था ये भी इंटीजर था. अब फिर मैंने क्या किया यहाँ पे एट माइनस टू कर दिया. देखो आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो तब भी नहीं होगी. आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके दिखा दी है. अब ये टू माइनस एट क्या हो जाएगा बेटा? माइनस सिक्स. और ये क्या होगा? एट माइनस टू सिक्स. क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल. तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन ठीक है. अब दूसरा मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे हम. अगर मान लो मैंने माइनस सेवन ले लिया इन टू माइनस टू ले लिया या टू ले लो गेला टू आगे आ गया इन टू माइनस सेवन ले लिया. तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस सेवन इंटू टू माइनस फोर्टीन. टू इंटू सेवन तब भी क्या आएगा? माइनस फोर्टीन. तो इसका मतलब ये क्या होगा? दोनों साइड इक्वल आएंगे. हमेशा इक्वल आएंगे. आप कोई भी नंबर्स ले लो यहां पे. इंटीजर की बात कर रहा हूं याद रखना इंटीजर्स में ठीक है. तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ठीक हो गया. तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो गया बेटा ये सही है. मतलब इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन ठीक है. अब डिवीजन पे देखो. डिवीजन पे देखो बेटा. अब मैंने यहां पे क्या लिया टू. टू क्या है? एक इंटीजर है. जहां पे बड़ा नंबर ले लो ट्वेल्व ले लिया डिवाइडेड बाय टू. दूसरी साइड है. अब टू आगे आएगा टू डिवाइडेड बाय ट्वेल्व. तो अब यहां पे क्या आएगा? ट्वेल्व को टू के साथ डिवाइड करो क्या आएगा बेटा? सिक्स. लेकिन टू अपॉन ट्वेल्व लिखोगे तो ये क्या आएगा? वन अपॉन सिक्स डिवाइड करोगे तो जीरो पॉइंट समथिंग आएगा. मतलब यहां पे सिक्स है वहां पे सिक्स आ रहा है नहीं आ रहा. तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल हो गया. तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? नॉट. मतलब क्या है? अब यहां पे इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन साइन एंड मल्टीप्लीकेशन साइन. दो पे है प्लस और माइनस. प्लस और मल्टीप्लीकेशन पे है लेकिन माइनस और डिवीजन में नहीं है ठीक है बेटा. सो नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टी. अपना कौन सी प्रॉपर्टी हम कर रहे थे बेटा? देखो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ठीक है. कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी किस पे? पहले हमने की
इंटीजर्स पे और रैशनल नंबर्स पे, अब करेंगे सॉरी इंटीजर्स पे और होल नंबर्स पे, अब किस पे करेंगे रैशनल नंबर्स पे। अब रैशनल नंबर में बार बार बता रहा हूं आपको, बच्चा ये सोचता है आप एग्जाम में आता है क्या हमने सर यही एग्जाम्पल लेनी है, कौन सी देखो जैसे प्लस पे है, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेके बता सकता हूँ, मान लो टू है, टू ए क्या है रैशनल नंबर, थ्री भी क्या है एक रैशनल नंबर, इज इक्वल टू थ्री प्लस टू, क्या ये इक्वल आएगा, आएगा बिल्कुल, तो इस पे होती है ये प्रॉपर्टी। और हाँ अगर देखो टू भी रैशनल नंबर है, थ्री भी रैशनल नंबर है, इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको वो दूसरी एग्जाम्पल भी लेके बता देता हूँ। दूसरी एग्जाम्पल का मतलब ये कि आपको फ्रैक्शन वाली ये, क्योंकि तो बच्चा जो सोचता है ना कि सर उस पर बता दो हमें, टू अपॉन सेवन प्लस थ्री अपॉन फाइव, ठीक है इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव प्लस टू अपॉन सेवन, अब सिंपल एग्जाम्पल लो, क्योंकि एक पे है तो सभी पे ये होगी होगी। अब यहाँ पे वो भाई आप क्या लोगे, ये तो मेरे ख्याल से आप अपने आप कर लोगे, इन दोनों को क्या करो प्लस करो, देखो भी वही नंबर, ये क्या था ये ए, ये क्या था बी, ए प्लस बी करो और फिर बी प्लस ए करो, जैसे कॉम्पिटेटिव मैंने बिगनिंग में बता दिया था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर है तो इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन साइन। अब मैं बताऊंगा माइनस पे, माइनस पे मान लो मैंने टू यहां पे कुछ भी नंबर ले लो, वन अपॉन सेवन माइनस टू अपॉन थ्री, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, क्या ये टू अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन सेवन के इक्वल होगा, ये देखना आपने, यहां पे एलसीएम लिया आपने, क्या क्या होता है एलसीएम, ट्वेंटी वन आएगा, सेवन थ्री जा थ्री, थ्री सेवन जा सेवन टू जा फोर्टीन, तो ये कितना आ जाएगा इधर, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो क्या आ जाएगा माइनस इलेवन अपॉन ट्वेंटी वन। अब इधर देखो इधर एलसीएम कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन को थ्री के साथ डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा सेवन, सेवन को टू के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा फोर्टीन, माइनस सेवन थ्री जा थ्री वन जा थ्री, तो अभी इधर क्या आ जाएगा बेटा इलेवन अपॉन ट्वेंटी वन, ये क्या रहा है पॉजिटिव, ये क्या रहा है नेगेटिव, तो ये इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट इज हम क्या करेंगे इसको किस पे करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में बेटा होता ही होता है ठीक है, ऑलमोस्ट सब पे यस होता है, ये यस का मतलब ये टू पॉइंट सेवन इंटू थ्री पॉइंट फाइव ले लो, तो अगर अब मैं थ्री पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट सेवन लिख लूंगा तो ये बिल्कुल पक्का डेट श्योर इक्वल आएगा ही आएगा ठीक है। अब मैं देखूंगा किस पे डिवीजन पे, डिवीजन पे, अब डिवीजन पे मैंने देखो फिर वही ले लिया फोर्टीन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय टू अपॉन सेवन ले लिया मान लो मैंने, अब दूसरी साइड पे क्या लिखोगे आप दूसरी साइड पे, पहले इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, फोर्टीन अपॉन थ्री इंटू सेवन अपॉन टू, टू सेवन सा सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन अपॉन थ्री आ गया बेटा इधर ठीक है। अब दूसरी साइड टू अपॉन सेवन डिवाइडेड बाय फोर्टीन अपॉन थ्री, तो ये क्या आ जाएगा टू अपॉन सेवन इंटू थ्री, रेसिप्रोकल हो जाता है ये थ्री अपॉन फोर्टीन, तो टू सेवन सा ये क्या आ गया थ्री अपॉन फोर्टी नाइन, वहां पे क्या मिल रहा था मुझे फोर्टी नाइन अपॉन थ्री, यहां पे थ्री अपॉन फोर्टी नाइन, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल, सो रैशनल नंबर्स आर नॉट, रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन साइन। ये देखो इतनी बड़ी एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, आपने तो सिर्फ डिवीजन देखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूं आपको कि रैशनल नंबर में आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, कौन सी बेटा इतना बड़ा करने की जरूरत है, आप सिर्फ सिंपल ये लो, क्योंकि एट भी क्या है रैशनल नंबर, टू भी अगर एग्जाम में आता है तो एट भी रैशनल नंबर है, टू भी रैशनल नंबर है, आप इसकी एग्जाम्पल ले लो, टू डिवाइडेड बाय एट क्या इक्वल है नहीं आएगा इक्वल, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे ये क्या आएगा फोर, और इधर क्या आएगा बेटा ये टू अपॉन एट, तो वन अपॉन फोर, तो ये फोर इक्वल टू वन बाय फोर है नहीं है इक्वल, तो आप ये छोटी सी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो रैशनल नंबर पे। नाउ बेटा देयर इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नाउ वी विल डिस्कस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी।
फर्स्ट वी विल डिस्कस इट ऑन द होल नंबर्स. मैं पहले आप सबको ये बताना चाहूंगा एसोसिएटिव होती क्या है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी टेक फॉर द थ्री नंबर्स. लेट अस सपोज देयर आर नंबर्स ए बी एंड सी. आई एम यूजिंग हियर प्लस ऑपरेशन. ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. मान लो ये मैं एडिशन के लिए बता रहा हूं. पहले मैंने ए प्लस बी इन जो भी कोई भी ऑपरेशन था वो मैंने ए और बी में लगाया. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सी में वो ऑपरेशन लगाया और यहां पे मैंने पहले बी और सी में लगा दिया, बाद में ए में लगाया. मतलब क्या है, पहले मैंने इन दोनों में ऑपरेशन लगाया फिर सी यूज करूंगा और दूसरे साइड में अगर मैं बी प्लस सी में करूं पहले ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन ऑपरेशन है मतलब प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, अगर इन दोनों में करूंगा और बाद में ए में करूं, अगर वो इक्वल आती है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो जो भी नंबर्स है. अब इसको मैं वन बाय वन ऑपरेशन के साथ यूज कर रहा हूं. देखो पहले क्या है, प्लस ऑपरेशन. लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिख दिया, बात किसकी कर रहे हैं, होल नंबर्स की. टू एक होल नंबर है, प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू टू प्लस थ्री प्लस फाइव. अब यहां पे देखो मैं ये दोनों ब्रैकेट में ले ले, इधर इन दोनों पे पहले लगाया मैंने ये ऑपरेशन. पहले मैंने टू प्लस थ्री क्या किया, फाइव प्लस फाइव, फिर इन दोनों में लगाया, ये क्या हो जाएगा टेन इज इक्वल टू इधर टू. पहले मैंने देखो यहां टू और थ्री को पहले मैंने प्लस किया ए और बी को, यहां पे अब बी और सी को करूंगा प्लस, ये फाइव प्लस थ्री क्या हो जाएगा एट. तो इधर भी आंसर क्या रहेगा, एट प्लस टू क्या हो गया टेन. तो जो दोनों साइडें बेटा क्या कीजिए, इक्वल आ गई. तो इसका मतलब चाहे आप ए प्लस बी पहले कर लो बाद में सी करो या पहले बी प्लस सी कर लो बाद में ए करो, आंसर सेम ही आने वाला है ऑन द होल नंबर्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव. होल नंबर्स आर एसोसिएटिव, या यू कैन से दैट एडिशन इज एसोसिएटिव. एडिशन इज एसोसिएटिव. ठीक है, तो अब मैं ये क्या लूंगा, कौन से ऑपरेशन पे, अब मैं क्या लूंगा माइनस. लेट अस सपोज मैंने क्या ले लिया यहां पे माइनस. माइनस ध्यान से देखो, ये एक मैंने होल नंबर ले लिया एक, एक मैंने क्या ले लिया नंबर मान लो माइनस टू, फिर मैंने क्या किया यहां पे माइनस थ्री. ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे क्या हुआ जी एट. देखो एक मैंने एक क्या ले लिया ए, एट नंबर ए, ए ले लिया एट, बी ले लिया टू, सी क्या ले लिया थ्री. अब यहां पे एट माइनस टू, एट माइनस टू, फिर माइनस थ्री. अब देखिए यहां से अब इन दोनों पे पहले मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर मैंने इन दोनों पे ऑपरेशन लगाया इधर. अब देखता हूं मैं क्या आंसर सेम आएगा. एट माइनस टू क्या आया बेटा सिक्स. ठीक है, फिर माइनस थ्री, तो सिक्स माइनस थ्री क्या आ गया थ्री आ गया. इधर एट माइनस, अब पहले मैंने ब्रैकेट में सॉल्व किया इसको बी और सी को, तो ये क्या आया टू माइनस थ्री क्या आ जाएगा माइनस वन. तो इधर क्या हो गया बेटा एट माइनस माइनस क्या होता है प्लस वन, तो ये क्या आ गया बेटा नाइन. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पहले ए और बी में ऑपरेशन लगा रहा हूं, उधर फिर किस में लगा रहा हूं बी और सी में, तो आंसर मेरे पास सेम नहीं आ रहा. इधर क्या आ रहा है थ्री, दैट इज नॉट इक्वल टू नाइन. तो इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन साइन, और यू कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. ये सेम नहीं आता है. देखो बेटा वही ए और बी में पहले मैंने ऑपरेशन लगाया या फिर उधर बी और सी में लगाता हूं, तो ये इक्वल नहीं आ रहे थे. तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, तो अब कौन सा ऑपरेशन लूंगा बेटा मैं, मल्टीप्लाइकेशन. ये ऑपरेशन है तो क्या बोलते हैं ऑपरेशन. अब टू इंटू थ्री इंटू एट, ये मैं ना होल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पे होल नंबर्स ही लेने पड़ेंगे. तो यहां पे क्या हो गया टू इंटू थ्री इंटू एट, यहां पे मैंने ये दोनों ब्रैकेट में बंद कर दिए ए बी, यहां पे बी सी ब्रैकेट में बंद कर दिए. तो ये क्या रहा है टू थ्री जा सिक्स, सिक्स इंटू एट दैट इज व्हाट फोर्टी एट. यहां पे टू ये याद रखना है यहां पे इक्वल नहीं है. ठीक है, टू इंटू थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर, तो इजिकल टू फोर्टी एट. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, इधर भी फोर्टी एट आ रहा था उधर भी फोर्टी एट आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ,
whole numbers are not k associative because both sides are equal. So whole numbers are associative under multiplication. So yahan pe bhi ye kya ho gaya, yes. ठीक है, अब मुझे किस पे चेक करना है, डिवीजन पे. डिवीजन देखते हैं बेटा, डिवीजन में क्या करोगे, डिवीजन पे यहां पे क्या है, फोर डिवाइडेड बाय सपोज टू डिवाइडेड बाय सपोज एट. ठीक है, इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय, जब बड़ा नंबर ले लो यहां पे भी, आपका कोई भी बड़ा सा नंबर ले लो, आप यहां पे भी बड़ा नंबर ले लो आपका, यू कैन टेक या 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, और इधर भी इसलिए हमें यही लिखना पड़ेगा 20 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने नंबर लिख लिया, ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, तो ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट में सॉल्व किए मैंने पहले, इधर ये दोनों ब्रैकेट में रखूंगा. अब ये देखो 20 को 4 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8, तो इधर क्या आ गया 5/8, मतलब यहां पे क्या आ गया हमारे पास 5/8, इधर 20 डिवाइडेड, अब 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 डिवाइडेड 4/8 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या आ गया बेटा 1/2. ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर रहा हूं ऊपर जाके, 20 डिवाइड बाय हाफ, डिवाइड बाय हाफ का मतलब जब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2/1, तो ये क्या आ जाएगा 40. इधर आंसर क्या आ रहा बेटा 40, इधर क्या आंसर आ रहा था 5/8, मतलब अगर डिवाइड करोगे तो 0. आएगा, दे आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव. मैं दोबारा बता रहा हूं, होल नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, होल नंबर हम यहां पे ये कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव, यस, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव. अब दूसरा मुझे बताना है आपको इंटीजर्स पे, किस पे, इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पे आपको खुद, अब देखो इंटीजर पे बिल्कुल सेम ही प्रॉपर्टी आने वाली है. इंटीजर्स क्या होते हैं, इस पे एडिशन पे क्या आएगी, यस, सब्ट्रैक्शन पे नो, मल्टीप्लीकेशन पे यस, और डिवीजन पे भी नो. ये आप खुद करके देखोगे ये वाली प्रॉपर्टीज. नाउ ऑन रैशनल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले ये दोनों पे ऑपरेशन लगाना है, कोई भी लगाना है, और फिर इन दोनों पे अगर इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, अदरवाइज नहीं. अब रैशनल नंबर पे भी आप खुद करोगे, क्योंकि वो सारा सेम है, जैसे होल नंबर्स पे आया था और जैसे इंटीजर्स पे आएगा बिल्कुल वैसे ही इस पे आएगा. रैशनल नंबर पे पॉजिटिव प्लस साइन पे ये यस होगी, आप चाहे इन दोनों को प्लस कर लो और बाद में इन दोनों को प्लस करोगे तब भी इक्वल आना है, तो ये होल्ड करती है, इस पे यस आएगी पक्का. और मल्टीप्लीकेशन पे क्या आएगी, नो आएगी, नहीं होएगी, और मल्टीप्लीकेशन पे भी यस आएगी और डिवीजन पे नहीं आएगी. ये आप खुद करोगे इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किस पे, रैशनल नंबर्स पे. अगर फिर भी नहीं आता तो आप मेरे को बता सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट्स. अब नेक्स्ट है इसका टॉपिक आपकी बुक में ही, जो वो आता है द रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ जीरो, वो हम पढ़ी चुके हैं पहले. रोल ऑफ जीरो क्या होता है, देखो रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ जीरो का मतलब ये है, आप किसी भी नंबर में, आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो जीरो तो वो नंबर वही रहता है इटसेल्फ, वही, मतलब अगर प्लस करते हो किसी में भी तो हमारे पास आंसर वही आएगा जो जिसमें हम जीरो ऐड कर रहे हैं. इसीलिए हम जीरो को यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी. जीरो इज कॉल्ड हियर एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स, इस पे इंटीजर्स पे एडिटिव आइडेंटिटी होती है. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, रोल ऑफ वन, रोल ऑफ
वन, सेम जैसे जीरो वैसे वन का। यहां पे हम कहते हैं वन इज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, वन इज मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ये है कि किसी भी नंबर को आप वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वही नंबर आता है। जब भी किसी का भी क्या करोगे आप मल्टीप्लाइकेशन किसके साथ, वन के साथ, तो वी विल गेट दैट आंसर ओनली बाय विच यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद आता है रोल ऑफ जीरो, मतलब जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड वन इज द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। आगे आता है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। नाउ नेक्स्ट इज द नेगेटिव ऑफ ए नंबर, मैं बता रहा था आपको, और रेसिप्रोकल। नेगेटिव ऑफ ए नंबर पहले समझेंगे, नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ ए नंबर को हम एडिटिव, देखो क्वेश्चन जो आता है आपने क्या करना है, कोई भी नंबर है उसका साइन चेंज कर देना है। लेट अस सपोज 5 है, मैं आपको इसका नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होगा, आप कहोगे -5 है। ठीक है, कोई भी नंबर है 2.7, -2.7 है, आपने नेगेटिव ऑफ ए नंबर, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है आगे फर्दर, कि अगर आप किसी नंबर को उसके नेगेटिव ऑफ ए नंबर के साथ ऐड करोगे तो यू विल गेट अ जीरो। इसीलिए हम जीरो को ये कहेंगे कि जीरो इज इट्स एडिटिव आइडेंटिटी। और यहां पे क्या होएगा, अगर मान लो -2.7 है तो इसका क्या होगा 2.7। अगर मैं आपको पूछता हूं ए पॉइंट बी, तो आपने कुछ नहीं करना, उसका उसका अगर एडिटिव इनवर्स आता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो आपने क्या कर देना उसका साइन चेंज, तो ये क्या आएगा -a/b। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है ये कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ जी। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन, देखो नेगेटिव ऑफ ए नंबर और एडिटिव, एडिटिव इनवर्स एक ही बात होती है, एडिटिव इनवर्स। अब यहां पे क्या है 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5। अगर मैं लिख दूं a/b इसका एडिटिव इनवर्स माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा a/b। और ये बात याद रखना, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, जीरो, वो होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और कई बार एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि -5/-7, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपने पहले इसको सोल्व करना है साइंस को, साइन मैंने माइनस का माइनस कैंसिल होगा तो क्या हो गया 5/7। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5/7। ये था इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। जब किसी नंबर को उस नंबर के एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड कर दोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। इसीलिए जीरो को कहते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल सिंपल है बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब है अगर आपको दिया हुआ है नंबर a/b तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a। ठीक है, आपने उल्टा करके लिख देना, कोई साइन नहीं चेंज करना, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ आपने क्या कर देना है रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ये न्यूमिनेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। मैंने पूछा -5/7 का क्या लिखो, रेसिप्रोकल लिखो, तो आप क्या लिखोगे बेटा 7/-5। ठीक है, रेसिप्रोकल है ये इसका। अब इसमें क्या होता है, किसी नंबर को उस नंबर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर हमेशा हमें क्या देगा, 1। कैसे, ये सुनो, ये -5/7 था, ये नंबर था, इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या है, सॉरी रेसिप्रोकल क्या है, 7/-5। ठीक है, 5 + 5 कट गया, माइनस कट गया, 7 + 7 कट गया, तो आंसर क्या रह गया, 1। इसीलिए 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। अब दोबारा सुन लो, कोई भी है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, a/b है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, और किसी नंबर को उस नंबर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर क्या देगा हमें, 1। b नाल b कट गया, a के साथ a कट गया, तो ये क्या रहेगा, 1। तो और 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा आपने 6th में ही पढ़ी है, सब में 7th में भी है ये फर्स्ट चैप्टर में। वो क्या होती है, मान लो यहाँ पे क्या है a/b, जनरली हम इसे ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन साइन। तो ये किसके इक्वल होती है, a/b
प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी, आगे क्या है प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ए क्रॉस सी। और समटाइम्स इफ इट इज रिटन लाइक दिस वे वी कैन राइट कन्वर्स। दोबारा फिर सुन लो, मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। और अगर यहाँ पे क्या रहा है, मान लो यहाँ पे क्या आया था साइन माइनस, तो यहाँ पे क्या आया था माइनस, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, आई विल सेंड यू इट्स आंसर्स इन द सेकंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।